वो जीतेंगी ये तो देखिए समय बताएगा, क्योंकि हमारे देश की राजनीति मुझे नहीं पता कि कहीं ना कहीं दलितों के लिए देखिए षड्यंत्र होता ही है ना, और उसको बोलते हैं गवार भी बोलते हैं, उस घर में कम पढ़ी लिखी भी बोल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यही बोल रही हूँ कि ये दलितों के साथ होता है। अगर जीतेंगी नहीं, वो अगर जीतती है तो उन्हें पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, मूवीज मिलेंगी, तो मैं यही कह रही हूँ कि ये चीजें तो ठीक है कि वो आपको काम मिलेगा, मूवीज मिलेंगी, वेब सीरीज मिल सकती है या और भी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन उस बेटी का संघर्ष आप देखेंगे तो वो बहुत लंबा है। शिवानी अगर जीतेगी या कुछ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो समाज का नाम रोशन करेगी, आगे आएगी और अन्य जितने भी लोग हैं ना आज उसके आलोचक, वो उसके फैन बन जाएंगे। और राजनीति मैं बोल रही हूँ, सिनेमा में नहीं, उसे राजनीति में आना चाहिए। वो भीम आर्मी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो या अपने समाज की, उसे राजनीति में भी आना चाहिए। शिवानी कुमारी गई हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से, करीब 24 दिन उनको हो गए हैं बिग बॉस में, क्या लगता है वो जीतेंगी या फिर ऐसे लौट आएंगी बिना खिताब के? देखिए वो बिग बॉस जो है वो रियलिटी शो बोलते हैं, और उसमें देखिए कि अब जितने भी कंटेस्टेंट हैं उसमें दलित समाज के लोग भी जाने लगे हैं, गरीब भी जाते हैं, लेकिन अपना जो कहते हैं कि अपना संघर्ष वहाँ भी है दलित समाज के लिए, तो गरीबों के लिए तो खास कर है, क्योंकि वहाँ जो पहुँचता है ना वो भी नॉर्मल लोगों को नहीं लेते। संघर्ष तो देखिए यहाँ सब कर रहे हैं, सब बहुजन समाज में बहुत सारी चीजें, लेकिन वो पे बैक टू सोसाइटी या समाज के लिए क्या कर रहा है वो इंसान, या फिर कितना वो समर्पित है, सारी चीजें, मतलब कितना वो फेमस है अपनी चीजों को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर, चाहे सिंगिंग हो या एक्टिंग हो या और भी चीजें, अपने सोशल मीडिया पे वो कितना एक्टिव है, ये चीजों को देखकर उसका क्राइटेरिया एक होता है कि वहाँ पे, और जहाँ पे दलित समाज आज मैं बोल रही हूँ सोशल मीडिया का इतना अच्छा यूज कर रहा है, इतना मतलब आगे बढ़ रहा है, और वो भी एक बेटी जो गरीब समाज की, जो शायद वो 6 बहनें हैं, वो बताती हैं कि मैं 6 बहनें हूँ, मेरे जीजा जी, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं कि उनके जीजा जी हैं, उनका खेत पे वो काम करते हैं और बच्चे भी हैं उनके, तो ये सारी चीजें, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। देखिए अपना शारीरिक, मैं बोल रही हूँ कि वैसे भी शोषण कराना, हर तरह से शोषण होता है, शारीरिक होता है, उससे मानसिक भी होता है, अपने अच्छी बुरी सारी चीजों से निकलना पड़ता है, और यही राजनीति में आए, जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कि बोल रही कि राजनीति में भी ऐसा ही होता है कि जब आप एक महिला, क्यों आज महिलाओं को बोल दिया जाता है, क्योंकि शोषण होता है, शारीरिक भी होता है, राजनीतिक भी होता है, सामाजिक भी, आप बोल लो कि कैसे महिलाओं को शोषण किया जाता है, तो गरीब समाज से अगर आप घर से बाहर निकलने भी आएंगे ना तो भी आप कहीं भी आप सुरक्षित नहीं है, दिल्ली जैसे शहर में भी सुरक्षित नहीं है, तो ये तो राजनीति है, सिनेमा है, मॉडलिंग में भी आप देखिए कितने सैक्रिफाइसेस हैं, जो मी टू जो चला है वो शिवानी कुमारी की इमेज ऐसी बना दी गई है कि गांव की है, बोलना नहीं आता, खाना नहीं आता, बैठना नहीं आता, कितना नहीं आता, उसके बावजूद वो अभी तक बिग बॉस के घर में टिकी हुई है, क्या खास बात देखती है उनके अंदर? देखिए वो जो लोग बोलते हैं ना वो बिग बॉस के जज नहीं है, पहली बात तो बिग बॉस जज करते हैं, वो रियलिटी शो है, उसमें वो देखते हैं कि बंदा या कंटेस्टेंट कितना फेक है, कितना रियल है, कितना वो बाहर जैसा है और कितना वो घर के अंदर है, ये चीज एनालाइज करते हैं वो, कि कितना वो समाज में है कैसा और कितना वो पर्सनली है, तो हर वक्त वहाँ कैमरे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ समय तक या रात में कैमरे ऑन, देसी गर्ल बताया जा रहा है उसको, देसी गर्ल जी, वो देसी गर्ल है और देसी लड़की है और देश का नाम भी रोशन करेंगी, और अर्चना गौतम भी गई, देखिए इससे पहले और भी गुर्जर समाज के एक वो थे, वो भी गए थे वहाँ पे, और अब ये भी हैं, तो आप देख लीजिएगा कि मैं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही, अगर मैं उसको सपोर्ट करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल ये बोल सकती हूँ, मेरे को कोई गुरेज नहीं है, मेरे को कोई वो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जो शिवानी कुमारी है वो उसकी उसका जो एक्ट है वो बिल्कुल एक फोड़ता नहीं है, नग्नता नहीं है, उसमें कोई न्यूडिटी नहीं है, वो सारा जो कुछ कर रही है वो एक सलीके से कर रही है, एक संस्कृति झलकती है उनकी कलाकारी में जी, वो देसी उसे जिसे बोलते हैं इंडियनाइजेशन जो बोलते हैं कि भारतीयकरण है, उनमें सारा जो देहात एक देश की कहते हैं ना कि वो झलक, मतलब लड़कियां तो डांस करती हैं, शॉर्ट पहनती हैं, लेकिन वो लड़की इतना आगे नहीं पहुंच पाए जितना शिवानी कुमारी आगे चली गई हैं, वो सिनेमा में जाने लगी हैं। देखिए मैं एक लड़की हूँ, आज अगर मुझे आगे जाना है ना तो जरूरी नहीं है कि मैं भी पॉलिटिक्स में कुछ गलत करके या छोटे छोटे कपड़े पहन के
या तभी मैं सिनेमा में भी आगे जा सकूं या कुछ। आज इंडियन फैमिलीज को जो शोज हम देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसमें इंडियन कल्चर बहुत जरूरी हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, जात से हैं, लेकिन इंडियन कल्चर जो है, जो हमारा भारतीय संस्कृति, उसको कहीं नहीं हमें भूलना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं ना कि शुरू में और अंत में हम एक भारतीय हैं, तो भारतीय इंडियन कल्चर, आज मैं भी हूँ पॉलिटिक्स में, तो मैं भी देखिए सूट पहनती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं भी शॉर्ट ड्रेसेस पहनूं। जी आसान हो रही है तो कहीं ना कहीं जो विनर भी बनी सकती हैं। मैं तो यही कहूंगी कि हमारे समाज को वोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें जिताना चाहिए, क्योंकि जैसी उनकी स्थिति है, जैसे वो उनका संघर्ष है, उन्हें आगे जाना चाहिए और जीतना चाहिए। और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और समाज की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और जीतनी चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, बच्चे बिगड़ जाते हैं, और उस मोबाइल के जरिए ही शिवानी कुमारी जो है सिनेमा में पहुंच गई हैं, बहुत आगे चली गई हैं। लोग कहने वाले कौन है? हमारा भारतीय समाज, भारतीय समाज, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, कौन सा समाज बोलता है, या दलित समाज? लड़कियों को क्या, दलितों को तो यहाँ कुछ भी नहीं देना चाहिए, ना उन्हें पढ़ना चाहिए, उनके अनुसार तो मुझे इस माइक में भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे इन सभाओं में भी नहीं आना चाहिए। लेकिन क्यों, संविधान अधिकार देता है हमें, संविधान हमें आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है, हमें काम करना है, हमें आगे बढ़ना है। काशीराम जी ने कहा था कि मैंने आज तक कोई चमार नहीं देखा जो खुद ये कहे कि मेरे को इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। तो मैंने काशीराम साहब जी को पढ़ा है और मैं चंद्रशेखर आजाद जी के भी साथ हूँ, और वो हम कह रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो बनने लायक हैं। सांसद जैसे पद तो उनके लिए भी बहुत छोटा पद है, और बहन शिवानी के लिए बिग बॉस जीतना भी बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो डिजर्व करती हैं, वो देश की बेटी हैं, वो एक दलित महिला, दलित बेटी, और इस देश के लिए गौरव बनेंगी आने वाले समय में। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, कितना भी कुछ भी हो, वो जीतेंगी, जीतेंगी, जीतेंगी। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं आता शिवानी पर, देहाती है, फूड भाषा का प्रयोग करती है, उसके पीछे पड़े हैं कुछ लोग जाति को लेकर, उसकी जो एक देहात से आती है, इस वजह से गंवेली लड़की है, वो देसी गर्ल है, इसलिए उसका जो पीछा कर रहे हैं कुछ लोग मीडिया में। देखिए क्या नहीं आता, घर में काम करना नहीं आता, यही बोलते होंगे, घर में काम नहीं करना आता, चाय नहीं बनानी आती, बातें बकवास होती हैं। पहली बात तो आपको सिर्फ वहाँ पे फिजिकल वो नहीं करना होता, बाकी आप अपने तरीके से उस घर में, बिग बॉस के घर में रह सकते हैं अपनी मर्जी से। चाहे आप दिन में 4 बार कपड़े बदलें, चाहे 4 बार खाएं, ऐसा कुछ नहीं है, राशन भी वहाँ फुल होता है। ये सब चीजें, ये सब जो होते हैं ना, ये लोग कॉन्ट्रोवर्सी बनाने के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो देखते हैं कि सिर्फ रियलिटी बंदे की असली क्या है, क्या वो सच में एक मानवतावादी है, एक अच्छे मुकाम डिजर्व करता है समाज के लिए, एक अच्छा आइकन बन सकता है। अर्चना गौतम भी गई थी, उनको देखिए कैसे मंदिर में जा रही है, वो बाबा साहेब की बात नहीं करती, बाबा साहेब की बात नहीं करती और मंदिरों में जा रही है, और ये अगर बाबा साहेब की बात कर रही है, और अंबेडकरवादी लोग, अंबेडकरवाद को समझना होगा। मैं बोल रही हूँ अंबेडकर साहब की रील के सामने, मूर्ति के सामने रील बनाना भी अंबेडकरवाद नहीं है, सिर्फ जय भीम बोलना। मैं अपने संगठन में आई ना, भीम आर्मी में, लोगों ने कहा कि जय भीम बोलने से क्रांति नहीं आएगी, काम करने पड़ेंगे बाबा साहेब के रुके हुए। तो वो काम हम कर रहे हैं, वो चीजें हम सीख रहे हैं, और ये आंदोलन के लिए भी जो आज हम इकट्ठे हुए हैं ना, जो 9 अगस्त को यहाँ होगा जंतर मंतर पे, आज देखिए कैसे षड्यंत्र हमारे खिलाफ, बहुजनों के खिलाफ चल रहे हैं।